दोस्तों वीकेंड के वार पर चार चांद लगाने के लिए तब्बू आई है घर के अंदर और वो अकेले नहीं बल्कि अपने साथ लाई है मजेदार टास्क। और इस टास्क में बुरी तरह से आपस में भिड़े हैं आयशा और मनारा, वो भी मुनव्वर के लिए एक बार फिर से। जी हाँ, इस टास्क में दरअसल तब्बू हेडलाइंस देंगी और कंटेस्टेंट्स को वो हेडलाइंस किस पर सूट करता है उसको बुलाना है, जिस पर सबसे पहले अंकिता को हेडलाइन दिया जाता है कि ऐसा सदस्य जिसने रिश्तों में बहुत ज्यादा धोखे दिए और उसके वजह से हुआ है उसका बेहाल। जिस पर अंकिता मुनव्वर को बुलाती हैं और मुनव्वर भी इस बात से अग्री करते हैं कि हाँ, मैंने आयशा को धोखा दिया था और जिसकी वजह से मेरा हाल भी बेहाल हुआ था। इसके बाद बारी आती है मनारा की और हेडलाइन मिलता है कि प्यार को छुपाने की नाकाम कोशिश, जिस पर मनारा आयशा को बुलाती हैं और आयशा बदले में जवाब देती हैं कि अगर मेरे पास चांस होता ये लाइन किसी को देने का तो मैं आपको देती, क्योंकि आप ही डे फर्स्ट से मुनव्वर के पीछे लगी हुई हैं और आप उनको पसंद करती है। जिस पर मनारा कहती है कि ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मैं सामने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, यहाँ बात होती है मुनव्वर की, तो अगर मैं मुनव्वर के पास जाती हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कल को? तो आयशा कहती है हाँ, मुझे 0% इंटरेस्ट है, आपको जाना है तो आप जा सकती है। वेल, इसके बाद क्या था, विकी भैया की बात आती है, उनको भी बुलाते हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं और घर में काफ़ी ज़्यादा बवाल मच जाता है इस टास्क से, जिसके बाद मनारा और आयशा की एक बार फिर से जो ये झड़प है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीकेंड के वार पर। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका इन सब चीज़ों को लेकर क्या है कहना हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्म बीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।